वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एक पेपर। एंड इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका 18 मार्च को एग्जाम होने वाला है वो किस पैटर्न से आएगा एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये पूरा आप इसे सैम्पल पेपर कह सकते हैं या आप इसे क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इससे पहले भी हमने ऑलरेडी दो पेपर डिस्कस कर रखे इकोनॉमिक्स के, ऑलरेडी दो पेपर है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी एंड उस प्लेलिस्ट के अंदर हम आने वाले समय में जो भी वीडियोस हम करते हैं वो एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। चलिए इस पेपर की अगर हम बात करें तो आप जो बच्चे नए हैं जो पेपर देखे ही नहीं है, पहली बार देख रहे, तो कुछ इस तरह से आपका जो फर्स्ट पेज होता है जिसके अंदर आप देखेंगे बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह से आता है एंड नोट दिया हुआ है जिसके अंदर पेजों की संख्या लिखी रहती है इतनी है कि नहीं है, टोटल क्वेश्चंस 34 है कि नहीं ये आपको देख लेने हैं एंड यहाँ पे टाइम के बारे में दिया होता है। बाकी इको का पेपर जो होता है आपका 80 नंबर का होता है, ये आप सभी को पता ही होगा, 3 घंटे आपके पास होंगे एग्जाम में इसका आंसर पूरे करने के लिए। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम निर्देश की तरफ एंड यहाँ पे देखेंगे तो पेपर के पैटर्न को बताया हुआ है कि कैसा होगा आपका पेपर का पैटर्न। तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि दो सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा आपका, एक तो सेक्शन ए होगा एंड सेक्शन बी होगा, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर एक किताब होगी जिसका नाम है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वो वाली, एंड दूसरी जो सेक्शन आपका जो दूसरा है सेक्शन बी उसके अंदर सेकेंड बुक होगा आपका भारतीय आर्थिक विकास, तो ये याद रखना है। एंड इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो 34, 17 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन ए में होंगे और 17 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में होंगे। एंड इसका जो पैटर्न रहेगा ना आपको आधा कर लेना है सब में, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से होगा आपका पैटर्न। चलिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया हुआ आपका आगे देखेंगे तो टोटल जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है। 4 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 3-3 अंक के है जिनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना होगा। 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4-4 नंबर वाले हैं और लास्ट में कहा गया 6-6 नंबर के जो है 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब इसको आप डिवाइड कर ले हाफ में, सेक्शन ए में आधा कर दे आप और सेक्शन बी में आधा कर दे। जैसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 10 तो आपका जो है सेक्शन ए में होगा और 10 सेक्शन बी में होगा, ऐसी आपका 4 जो है 100 टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपका 2 इसके अंदर आ गया, 2 इसके अंदर आ गया, ऐसी 4 नंबर वाले पे आए तो 6 बोला गया है इसके अंदर क्वेश्चन, तो 3 इसमें हो जाएगा, 3 इसके अंदर हो जाएगा। एंड 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें। एंड ये पूरा पेपर आपका कुछ इस पैटर्न से होगा, सेक्शन ए आपका कुछ इस तरह से होगा जिसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 17 होंगे और सेक्शन बी में भी 17 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपके पूरे पेपर का पैटर्न है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम, पेपर को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड करवाते हैं हर एक पेपर को, तो इसका भी इंग्लिश मीडियम में जो इंस्ट्रक्शन है आप इसे देख सकते हैं। सेक्शन ए आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है एंड सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपकी जो बुक है ये रहेंगे एंड 17 क्वेश्चन जैसे कि हाफ हाफ कर लेना आपको वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आपका पूरा पैटर्न है। आपको मैंने जैसा हिंदी में बताया वैसा ही सेम इंग्लिश में भी है। चलिए हम पेपर की तरफ आते हैं एंड यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी भी बच्चे को 20 सैंपल पेपर, जैसा कि आप सभी को पता होगा हम 20 सैंपल पेपर पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका एंड 20 सैंपल पेपर हिस्ट्री का PDF फॉर्म में सेल कर रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे को परचेज करना हो जस्ट जो कि 99 में आपको मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का, अगर आप दोनों का ही लेते एक साथ तो आपको 190 जो है लग जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते तो दिया हुआ जो आपका यहाँ पे देखेंगे नंबर है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारी मेल आईडी भी दी हुई है, साथ ही साथ टेलीग्राम हमारा नंबर भी दिया हुआ है, किसी भी बच्चे को परचेज करना हो कर सकता है। ये इसके अंदर आपके जो है 20 सैंपल पेपर रहेंगे जो 2022 जो 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। अगर आप इसका देखना चाहते हैं कि ये है कैसा पेपर तो हमने ऑलरेडी जो है इसके लिए पहले ही जो है एक आपका जो है फॉर्मेट या एक वीडियो करके हमने डाल दिया था जिसके अंदर बताया गया था कि एक पेपर आपको दिखा के बताया गया था कि ऐसा आपका पेपर ओरिजिनल होगा, वैसे ही इसके अंदर हम 20 सैंपल पेपर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के प्रोवाइड करवा रहे हैं। ईको के नहीं बना पाए क्योंकि हमारी उसमें ज़्यादा पकड़ नहीं है एंड हमें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं आता,
जो सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसमें हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो हमने इसके बनाए हुए, किसी बच्चे को चाहिए होगा तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अगर आप वहाँ जाके क्वेरी करेंगे, जो भी क्वेरी रहती है आपकी बताएंगे, तो आपको जरूर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका जो है 20 सैंपल पेपर। जो बच्चा खरीदना चाहता है जरूर खरीद लीजिए, बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स आया है पेपर्स के ऊपर, एंड आप भी परचेज कर सकते हैं, इससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम पेपर की तरफ, एंड यहाँ से आपका जो है सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए के अंदर जो है क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले 10 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसके अंदर, यहाँ पे ट्रैक्टर कभी भी वस्तु जो है नहीं हो सकता, कौन सा? यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, ट्रैक्टर जो है कभी भी वस्तु नहीं हो सकता, अंतिम, मध्यवर्ती, उपभोक्ता या पूंजी। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम देखें ट्रैक्टर जो है कभी भी कैसा नहीं हो सकता, वो उपभोक्ता जो है वस्तु नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में अपने चैप्टर्स में। चलिए आगे की तरफ आए हम इसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे बोला गया है अ ट्रैक्टर कैन नेवर बी अ कमोडिटी। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ये दिए हुए ए बी सी डी, एंड राइट आंसर जो है इसका कंज्यूमर, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है COVID-19 से रिलेटेड, यहाँ पे बोला गया है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि कोविड की जो है वर्तमान स्थिति में कई बैंकों को वित्तीय आपातकाल का सामना करना पड़ा होगा, यानी कोविड जब आया तो बहुत सारे बैंकों को बहुत सारी परेशानियां हुई, आपातकाल का जो है या वित्तीय आपातकाल को जो है सामना करना पड़ा था। यदि आप बैंक के मालिक और आपके बैंक में जो है वित्तीय आपातकाल है, तो एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपके बैंक के बचाव में आ सकती है। तो आपको बताना है, आपको यहाँ पे बनाया गया, आप बैंक के मालिक हैं, ठीक है, एंड आपके बैंक के अंदर क्या है, वित्तीय आपातकाल आ गया है, एंड आपको बताना है कि आपकी हेल्प कौन सी संस्था कर सकती है। आपको बताना है इसके अंदर कौन सी संस्था जो है आपके बचाव में आ सकती है। देखिए देश के अंदर, भारत के अंदर देखिए तो बहुत सारे जो है हमारे बैंक हैं जो कार्य करते हैं इसमें, एंड यहाँ पे अगर कोई भी बैंक होता है, किसी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ आप वित्तीय आपातकाल आ गया, ठीक है, या तो कैश खत्म हो गया बैंक के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अलग अलग तरह का, तो उसके अंदर जो है एकमात्र केंद्रीय बैंक ही होती है जो आपकी जो है हेल्प कर सकती है, एंड ये आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा केंद्रीय बैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर केंद्रीय बैंक लिखना होगा, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एक क्वेश्चन है, इन द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड मैनी बैंक्स माइट हैव फेस्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफ यू आर अ बैंक ओनर एंड देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन योर बैंक, देन इज द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट कैन कम टू द रेस्क्यू ऑफ योर बैंक। तो ये आपका दिया हुआ है सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो आपका राइट आंसर जो है सेंट्रल बैंक निकल कर आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प यही बैंक करेगी, जो सेंट्रल बैंक है वही आपकी हेल्प करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है भारत में आपने देखा होगा सिक्के, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का आप देखते हैं, 5 का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का देखते हैं, तो भारत में सिक्के जारी करने वाला प्राधिकरण है, आपको सही विकल्प चुनना है, RBI है, SBI है, भारत सरकार है या CBI है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें भारत में जो सिक्के जारी करते हैं वो भारत सरकार द्वारा होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे RBI सोच रहे होंगे, बट ये राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भारत सरकार, इनके द्वारा जो है सिक्के जो है जारी किए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है आपका बी, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इसको देख लेना, भारत सरकार वैसे इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा, एंड इसके अंदर इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, जो हमने अभी पढ़ा हिंदी मीडियम में, द अथॉरिटी टू इशू कॉइंस इन इंडिया, यहाँ पे बोला गया ऑप्शन के अंदर RBI, SBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CBI, एंड इसके आंसर्स को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है आपका फोर्थ, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मिलान से रिलेटेड पूछा गया है, इसमें बोला गया है आपको जो है कॉलम 1 को जो है कॉलम 2 से जो है मिलाना है, मतलब
सही जोड़ा जो मिलाया गया आपको उसकी पहचान करनी है। जैसे ए बी सी और डी आपके दिए हुए, इनमें देखना है आपको कि सही मैच कौन सा खा रहा है। विदेशी मुद्रा का एक आपूर्ति जो है वक्र ऊपर ऊपर की ओर झुका हुआ वक्र, भारत से जापान को निर्यात, भारत से विदेशी मुद्रा की मांग, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का जो है पुनर्भुगतान, विदेशी मुद्रा की जो है आपूर्ति का स्रोत, या घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास, या सरकार जो दिया हुआ है इसका, सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये आपके दिए हुए मैच। ठीक है, एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच सही है। अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो आपका जो ए दिया हुआ है, आपका ए का जो पहला है वो इसका जो है सही मैच है। तो ऑप्शन जो ए है, नीचे आपका ऑप्शन दिया रहेगा, नीचे ऑप्शंस में आए हम, नीचे की तरफ आपके विकल्प दिए हुए हैं, एंड इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा आपका वो ए निकल कर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो यहाँ पे दिया हुआ है चूज द राइट ऑप्शन, एंड यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने आपको जैसा बताया हिंदी मीडियम में, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। नीचे की तरफ आप आएंगे तो ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए, एंड इसका राइट आंसर जो है ए वाला निकल कर आ जाएगा। बाकी आपको कर देखना है क्वेश्चन, तो ये आपका कुछ किस तरह से मैं जो मिलान दिया हुआ है, कॉलम वन एंड कॉलम टू दिया हुआ है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया पांचवा, इसके अंदर बोला गया है पहचानों की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ये आपके कथन है जैसे किसी मुद्रा की विनिमय दर उस मुद्रा के कागज मूल्य के समान है। दूसरा बोला गया विनिमय दर सोने के संदर्भ में व्यक्त की गई मुद्रा की कीमत है। तीसरा बोला गया प्रबंधित तरणशीलता को गंदी तरणशीलता के रूप में भी जो है जाना जाता है। या डी बोला गया है अधिमूल्यन से विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, प्रबंधित तरणशीलता को गंदी तरणशीलता के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका पता चल गया आपको। आइए पांचवे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड पांचवा क्वेश्चन बोला गया इसके अंदर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए, एंड यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे जो है यहाँ पे बोला गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ शो कर दूंगा एंड क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शेष विश्व से उधार को भुगतान शेष के खाते की जो है यहाँ पे आएगा आपका खाते की मद में दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या निकल कर आएगा आपके सामने, ये ऑप्शन दिए हुए, एंड देखिए पूंजी धनात्मक जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। शेष विश्व से उधार को भुगतान शेष के पूंजी खाते की धनात्मक मद में जो है दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है, एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से है, बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू द लॉस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन, यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपका कैपिटल एंड पॉजिटिव जो है आपका ऑप्शन ए वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड यहाँ पे जो बोला गया ना, निम्नलिखित समाचार रिपोर्ट जो दिया हुआ है, ये रिपोर्ट है, इसमें 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस इसी के अंदर से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए तो हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड हाँ इसके अंदर आपके आंसर्स मिल सकते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से होगा, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10 तक। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मांग की कमी अर्थव्यवस्था में अस्फीति अंतर या मुद्रा स्फीति की खाई बनाती है। आपको सही विकल्प बताना है इन दोनों में से क्या आएगा। अगर हम देखें मांग की कमी जो है अर्थव्यवस्था में क्या बनाती है, तो इसका आंसर आप सभी को ना आए इस वाले क्वेश्चन के आंसर, तो आपको एक बार इस पैसेज के अंदर जाना है, इसमें ढूंढना है। यहाँ पे देखेंगे बोला गया है COVID-19 की मांग के कारण जो है महत्वपूर्ण अस्फीति प्रभाव पड़ता है, मूल्य की स्थिति को पर जो है प्रोत्साहन की कमी के किसी भी प्रभाव के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि COVID-19 महामारी ने गैर आवश्यक या विवेकाधीन सामानों जो है की मांग को गंभीर रूप से जो है कम कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर हम इसके आंसर्स को देखें
एंड एक बार हमने इसे पढ़ा एंड इससे हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, मांग की कमी अर्थव्यवस्था में बनाती है, ठीक है, देखिए किसको, मांग की कमी जो है अस्फीति अंतर जो है बनाती है। इसका राइट आंसर आपका जो है ये वाला आ जाएगा, अस्फीति आंसर। चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, लैक ऑफ डिमांड क्रिएट क्या करता है, डिफ्लेशन गैप। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा इन द इकोनॉमी। चलिए सातवां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आठवां एंड इसके अंदर भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही दिया गया है। इसमें बोला गया की मांग कोविड की अवधि के दौरान काफी कम हो गई है, गैर जरूरी आवश्यक दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो गैर जरूरी की जो मांग है कोविड, यही है यहाँ पे ध्यान देना, कोविड के जो टाइम है उसके दौरान काफी ज्यादा कम हो गई थी। एंड आप सभी जानते होंगे कोविड के दौरान जो है बहुत सारी आपकी जो है इकोनॉमिकली देखे अगर हम पैसे से संबंधित बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी क्योंकि काम चल नहीं रहा था। एंड वहाँ पे गैर जरूरी जो चीजें थी जो आपके काम की नहीं थी, जरूरी नहीं थी, वो सारे क्या है कम हो गए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोविड के दौरान ये हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, एंड उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, द डिमांड फॉर हैज रिड्यूस्ड जो है सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। तो यहाँ पे जो है नॉन एसेंशियल ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन पूछा गया है नोवा, इसमें बोला गया है 2019 में, अगर 2019 में वास्तविक जीडीपी यानी जो रियल जीडीपी दी हुई है वो 500 दी हुई है, एक बार हम रियल जीडीपी 500 लिख लेते हैं, और 2019 में मौद्रिक जीडीपी जो है वो 650 दी गई है, ठीक है 650 है। तो आपको जो है आवश्यक खोजना है, अगर हम देखें किस तरह निकाला जाता है तो यहाँ पे आपको 650 बटे में 500 रखना है, ठीक है, और इंटू 100 कर देना है, तो इससे आपका जो है निकल के आ जाएगा आंसर। एंड अगर हम आंसर देखें ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, एंड इसको हम इससे काट देंगे तो 13×5 65 यानी 13 130 आ गया। तो राइट आंसर अगर ऑप्शन में 130 है तो आपका ऑप्शन जो बी है जो कि यहाँ पे आना था वो ऊपर नीचे हो गया, तो 130 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है, एंड इंग्लिश मीडियम में इसको देखें तो इकोनॉमिक में क्या है ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको हिंदी में ना समझ आए इंग्लिश में आ जाए, तो इंग्लिश और हिंदी एक बार दोनों ही पढ़ना है अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो। If real GDP in 2019 is 500 and monetary GDP is 2019 is 650, find the GDP required. तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर 130 जो है हो जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन है स्फीतिक अंतराल, यहाँ पे बोला गया अब आपको चुनना है, उत्पादन का स्तर इसमें बढ़ता है, उत्पादन का स्तर नहीं बदलता, स्तर नहीं बदलता, सामान्य कीमत जो है स्तर बढ़ाता है, या बी और सी दोनों। तो अगर हम देखें इस जो स्फीतिक अंतराल दिया हुआ है इसके अंदर होता क्या है, उत्पादन का स्तर नहीं बदलता, उत्पादन जो होता है वो तो उतना ही होता है जितना पहले हो रहा था, ठीक है, जितना चलता आ रहा है उत्पादन हो रहा है यानी चीजें बन रही है उतनी बन रही होती है, लेकिन सामान्य कीमत का जो स्तर है वो बढ़ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम देखिए ऑप्शन बी और सी को देखें तो वो इनके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, एंड इंग्लिश मीडियम में इसी को देखें, ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फ्लेटिंग इंटरवल यहाँ पे पूछा गया है एंड यहाँ पे ऑप्शन है, एंड इसके राइट आंसर को अगर हम देखें बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी। एंड ये आपका जो है 10 क्वेश्चन जो पहले रहेंगे एमसीक्यू टाइप वाले वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, एंड इसके अंदर जो है सबसे पहले आपके जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की तरफ आते हैं, एंड 11वां क्वेश्चन है उचित कारण के साथ बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो यहाँ पे देखिए कथन क्या दिया हुआ है, कल्याण के सूचकांक के रूप में जीडीपी की वृद्धि अर्थव्यवस्था में गहरी आर्थिक विभाजन होने पर अपना जो है महत्व खो देती है। कल्याण के सूचकांक के रूप में जीडीपी की वृद्धि जो होती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में गहरी आर्थिक विभाजन होने पर अपना महत्व खो देती है। तो ये बात सही है क्योंकि आय क्या है, असमानता में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने पर भी कल्याण की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, अगर आपका जीडीपी बढ़ भी जाता ना तो उसका कल्याण में जो वृद्धि है वो नहीं होगा, उसके ऊपर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका राइट आंसर आपका जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा।
चलिए, इसका बी पूछा गया, बी पार्ट, और ये 3 नंबर का है, तो 1.5 नंबर का ऊपर वाला है एंड 1.5 नंबर का आपका बी है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा वृद्धि के बिना वास्तविक जीडीपी बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की मात्रा वृद्धि के बिना जो है वास्तविक जीडीपी बढ़ सकता है, तो दिया गया वक्तव्य गलत है। अगर हम देखें अर्थव्यवस्था में अगर उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो जीडीपी कैसे बढ़ सकती है, तो नहीं, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के बिना वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इसे स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। तो जीडीपी अगर बढ़ रही है किसी की तो कहीं ना कहीं उत्पादन हो रहा है, उत्पादन अगर उसकी मात्रा नहीं हो रही है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें एंड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। स्टेट द, ये आपका दिया हुआ है, सुटेबल रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे जीडीपी ग्रोथ एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर लॉसेस इट्स सिग्निफिकेंस व्हेन देयर इज डीप इकोनॉमिक डिविजन इन द इकोनॉमी। एंड आंसर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिकॉज इंक्रीज इन इनकम इन इक्वालिटीज विल नॉट इंक्रीज वेलफेयर ऑन इन इफ जीडीपी इंक्रीजेज। ये आपका आंसर लिखा हुआ है ए का। एंड अगर बी की तरफ आएंगे हम, तो बी के अंदर पूछा गया है आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, रियल जीडीपी कैन इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज विदाउट एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी रियल जीडीपी विल नॉट इंक्रीज एज इट इज मेजर्ड एट जो है कॉन्स्टेंट प्राइस। तो ये आपका राइट आंसर कुछ इस तरह से बी का हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां एंड इसके अंदर बोला गया है, उचित कारण देते हुए उल्लेख करें कि क्या निम्नलिखित में से कथन जो है सही है या गलत है। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला ए दिया हुआ है, भारतीय मुद्रा की प्रशंसा तब होती है जब अमेरिकी डॉलर के लिए अधिक रुपए का भुगतान किया जाना है। तो देखिए, प्रशंसा तब नहीं होगी जब अमेरिका के डॉलर के बदले हम ज्यादा पैसा देंगे, अधिक रुपए देंगे, तो ये हमारी प्रशंसा नहीं होती है। क्योंकि आज के समय अगर एग्जांपल के लिए देखें तो अभी डॉलर का रेट करीब जो है 83 डॉलर यानी 83 रुपये 1 डॉलर का चल रहा है। अगर ये बढ़ते जाएगा और 100 मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, 100 पहुंच गया, तो इसमें हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखें तो दिया हुआ जो वक्तव्य है यानी स्टेटमेंट जो कथन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि भारतीय मुद्रा का अधिमूल्यन तब होगा जब अमेरिकी डॉलर के लिए कम रुपये का जो है भुगतान किया जाना। तो अगर देखें ये करीब 80-83 चल रहा है, जब ये 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, तब ये हमारे लिए अच्छी बात होगी, प्रशंसा की बात होगी। ठीक है, तो ये जब नहीं होगा, जब ज़्यादा होगा, जब कम होगा तब हमारे लिए प्रशंसा की बात होगी। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड इसी के अंदर बी को अगर हम देखें, बी में बोला गया है, लचीली विनिमय दर IMF द्वारा निर्धारित की जाती है। दिया हुआ वक्तव्य देखें तो ये भी जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये भी गलत है। लचीली विनिमय दर जो है IMF द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि क्या है, क्योंकि नम्य विनिमय दर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा मांग और आपूर्ति की जो शक्तियां हैं उसके द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है, तो IMF के द्वारा ये निर्धारित नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड ये 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखें, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला गया है, ये आपका इसके अंदर आपको सही और गलत बताना था। तो यहाँ पे देखिए ए बोला गया है, इंडियन करेंसी जो है अप्रिशिएट व्हेन मोर रुपीस हैव टू बी पेड फॉर US डॉलर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज ओवरवैल्यूएशन जो है वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी ऑकर्स व्हेन फेवर रुपीस हैव टू बी पेड फॉर जो है कम जो हमें पैसे अगर हम पे करते तब हमारे लिए जो है ये अच्छी बात होगी, तो US डॉलर में। आगे हम आते हैं बी की तरफ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर सेट बाय द IMF। तो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इंग्लिश मीडियम में भी। चलिए 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर अथवे में बोला गया है, बैंक दर होता क्या है, ये रेपो दर से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, बैंक जो है अपना पैसा कैसे कमाती है, कई तरीके हैं बैंक अपना पैसा कमाती है। एक तरीका होता है कि वो लोन देती है यानी उधार देती है, आप सभी ने कभी ना कभी लोन लिया हो या सुना भी होगा। तो बैंक दर क्या होता है, कितने परसेंट पे आपको लोन मिल रहा है,
वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन जो है उद्देश्यों के लिए उधार देता है। तो दीर्घकालीन का मतलब है कि बहुत लंबे समय के लिए जो है वो इसके अंदर लोन दिया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को। एंड रेपो दर देखें हम, तो वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों को उनके अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उधार देता है। एक तो दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय के लिए, और एक देखें हम तो अल्पकालीन का मतलब है कि बहुत कम समय के लिए, ठीक है, कम समय के लिए लोन दिया जाता है इसके अंदर। तो ये आप पढ़ सकते हैं एंड इसके अंदर ये डिफरेंसेस है। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, बोला गया क्वेश्चन में व्हाट इज द बैंक रेट, हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम रेपो रेट। तो बैंक रेट देखिए, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया जाता है। एंड रेपो रेट देखिए, तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक जो देती है कमर्शियल बैंक को जो लोन देती है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म पर्पस आप कह सकते हैं, इसलिए दिया जाता है। तो ये इनके बीच डिफरेंसेस है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्योंकि ये 12वीं का आठवां था, तो ये आपका हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। इस क्वेश्चन में पूछा गया 13वें में कि निवेश होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। एंड इसके अंदर जो दूसरा बोला गया सकल तथा निवल जो निवेश होता है उसके अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले निवेश क्या होता है यानी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती क्या है, तो एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है, यानी किसी चीज पे हम पैसा लगाते हैं वो हमारा निवेश। तो निवेश कई तरह से हो सकता है, ठीक है, आप अपने लिए जो है कोई काम के लिए आप कोई भी सामान खरीदते अपने कार्य के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका निवेश ही हुआ। तो इसे पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहते हैं। सकल निवेश और आपको निवल निवेश जो है बताना है। तो सकल निवेश देखिए, एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में कुल वृद्धि जो है, टोटल जो वृद्धि होती है वो सकल निवेश कहलाती है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, इसे सकल पूंजी निर्माण भी कहते हैं, ठीक है। एंड निवल निवेश क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि जो है निवल जो है निवेश कहलाता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। तो ये आपका सकल और जो निवल निवेश है कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। तो ये आपका दिया इंग्लिश मीडियम में एक क्वेश्चन, एंड इसके अंदर बोला गया व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जो है कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड जो है नेट इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हैं। तो द टोटल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट, दिस इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। नेट इन्वेस्टमेंट, द नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन एन इकोनॉमी ओवर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, इज डज नॉट इंक्लूड जो है डिप्रिसिएशन। ये आप इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट हो जाता है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है आत्मनिर्भर भारत भारतीय नियोजन प्रक्रिया की आत्मनिर्भरता उद्देश्य के रूप में नियोजन प्रक्रिया में था, क्या दिए गए कथन से आप सहमत हैं, दिए गए कथन का औचित्य में न्याय संगत जो है तर्क मूल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए न्याय आत्मनिर्भर जो भारत है आप सभी जानते होंगे, जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता हुई थी हमारी जब हमने आजादी पाई थी, उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उनमें से इम्पोर्टेंट चुनौतियों में ये भी थी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत को कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें क्या है अंग्रेजों ने गुलाम किया था, अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया था। तो हमारी चीजें जो थी वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी जब तक जब हम अपने से कुछ बना नहीं पाएंगे, जब तक हम गुलामी से एक तरह से मेंटली भी आजाद नहीं हो सकते। क्यों ना क्यों, क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज की जो है विदेशों से हमें जरूरत पड़ेगी, एंड इसके लिए वो हमारा यूज कर सकते, इसीलिए आत्मनिर्भर देखिए हम तो लाया गया। एंड इसके अंदर जो है देश के अंदर ही जो है बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर पूरा जो है आप लिख सकते हैं आत्मनिर्भर के बारे में, और दिया गया कथन जो है वो सत्य है, कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा। चलिए इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बोला गया इस क्वेश्चन में, सेल्फ रिलायंट इंडिया वॉज इन द प्लानिंग प्रोसेस एज द सेल्फ जो है रिलायंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्लानिंग प्रोसेस, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट।
एंड यहाँ पे अगर देखिए द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन, आप कुछ इस तरह से इसकी देख सकते हैं, ये आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के 8वें में जो क्वेश्चन पूछा गया है 14वें के अंदर, वो पूछा गया 1991 में जो है आर्थिक जो सुधार हुए थे उसके बारे में पूछा गया है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत वित्तीय क्षेत्र में के मोर्चे पर भारत सरकार द्वारा उठाए गए दो प्रमुख कदमों को आपको बताना है। तो दो प्रमुख कदम अगर हम देखें कौन कौन से थे, आइए इसको भी देख लेते हैं हम, दो कदम कौन कौन से थे जो सरकार ने 1991 के अंदर अब जो है उठाया था, ठीक है, कदम लिए थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन, जो भारतीय रिजर्व बैंक जो था आपका, उसकी भूमिका में परिवर्तन देखने को मिला इस वित्तीय क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका नियामक से जो है नियामक से होकर जो है सुविधा प्रदाता हो गई। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र को अनेक विषयों पर आरबीआई से जो है स्वतंत्र होकर निर्णय लेने हेतु अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। यानी अगर हम देखें बैंकों को क्या है, थोड़ी स्वतंत्रता दी गई कि आप कुछ फैसले जो है खुद से स्वतंत्र होकर ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्वायत्तता प्रदान की गई एक तो ये कह सकते हैं। एंड जो निजी बैंक थे यानी प्राइवेट जो बैंक हुआ करते थे, उसकी उत्पत्ति सुधार प्रक्रिया में भारतीय और विदेशी मूल के निजी क्षेत्र के जो है बैंकों की स्थापना हुई। तो ये आप इसे बोल सकते हैं दो कदम जो है बड़े उठाए गए वो कुछ इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। एंड यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पे दिया आपका, ठीक है, यहाँ पे एंड ए हो गया आपका एंड बी हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है, इसके अंदर बोला गया है आर्थिक सुधार प्रक्रिया का जो है, यानी आर्थिक सुधार जो प्रक्रिया हुई उसके कारण क्या बोला गया, कृषि क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नजर आता है, दिए गए कथन की व्याख्या करें। तो अगर हम देखें प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा इससे, तो आर्थिक सुधार जो हुए आपने देखा होगा, तो सार्वजनिक निवेश विशेष रूप से बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई बिजली आदि में जो है इनमें कम हुआ है। तो जो निवेश हुआ है इन क्षेत्रों में कम हुआ है, आप इसे देख पाएंगे। तो एक इसका जो है गलत प्रभाव आप देख सकते हैं, यानी प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखें उर्वरक सहायकी में कमी से उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे छोटे और सीमांत किसान जो है इससे प्रभावित हुए हैं। उदारीकरण और आयात शुल्क में कमी के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। एंड कृषि में निर्यातोन्मुखी नीति के कारण जो है खाद्य फसलों से नगदी फसलों की ओर जो है खिसकाव होने से खाद्यान्नों की कीमतों में भी वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कृषि पर जो है इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं जो हमने आर्थिक सुधार प्रक्रिया अपनाई उसके अंदर। चलिए आते हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो इंग्लिश मीडियम में कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस सीम्स टू बी हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरह से किया गया, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ सही से, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपके चार पॉइंट है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ आए जो कि 16वां क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर बोला गया 16वें में सकल घरेलू उत्पाद की किसी भी देश के जो कल्याण है सूचकांक के रूप में कुछ सीमाएं है आपको बतानी है कि सकल घरेलू उत्पाद की किसी देश के कल्याण के सूचकांक के रूप में कुछ सीमाएं है आपको सिद्ध करना है। उचित कारण के साथ दिए गए कथन को आपको जो है बचाव या खंडन करना है। तो अगर हम देखें बयान का बचाव किस तरह से किया जा सकता है, तो आय का वितरण कल्याण के सूचकांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद महत्व खो देता है यदि आय का वितरण क्या है असमान रूप से है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ असमानता जो है बढ़ती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ आए, दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह से होगा आपका, सकल घरेलू उत्पाद की संरचना, यदि विलासिता की जो वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों के पास होती है ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, एंड वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या हानिकारक उत्पादों का जो है उत्पादन बढ़ जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है वो निरर्थक हो जाती है, यानी कोई अर्थ नहीं रह जाता उसका, निरर्थक हो जाता है। चलिए अगले तीसरे पॉइंट की तरफ है, इसके अंदर बोला गया है गैर मौद्रिक विनिमय, गैर मौद्रिक विनिमय के कारण कल्याण का सकल घरेलू उत्पाद में स्पष्ट संगत जो है नहीं मिलता है, बाह्यताएं
जीडीपी सूचकांक लाभों और आर्थिक गतिविधियों के नुकसान का मूल्यांकन नहीं लेता है, भुगतान या दंड के बिना बाजार लेन देन का हिस्सा नहीं है, इससे कल्याण का जो है अति मूल्यांकन या अल्प मूल्यांकन होता है, पर्यावरण प्रदूषण से कल्याण कम होता है जबकि ओपन जिम वृद्धि करता है, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद को कल्याण के उचित सूचकांक के रूप में जो है नहीं कहा जा सकता। ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। इसके अंदर बी क्वेश्चन भी दिया हुआ था, एंड बी के अंदर पूछा गया है कि किसी फर्म द्वारा जो है वकील को फीस का भुगतान उचित कारण सही जो है बताए कि दी गई राशि को भारत की राष्ट्रीयता आय के जो है अनुमान में शामिल किया जाना चाहिए या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर हम देखें किसी फर्म द्वारा वकील को फीस दिया गया है तो भुगतान का जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा क्योंकि यह फर्म का मध्यवर्ती व्यय है। तो ये इसका राइट आंसर कुछ इस तरह से होगा। एंड 16वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज सम लिमिटेशंस एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, डिफेंड और जो है रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद प्रॉपर रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट जो है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, आपके पॉइंट दिए हुए चार, इसे मैंने आपको हिंदी में बताया, वैसे ही आपके सेम इंग्लिश में भी है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी हो गया, नॉन मॉनेटरी जो है एक्सचेंज हो गया, एंड जो है यहाँ पे एक्सटर्नैलिटीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड बी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे देख लीजिए। बी में बोला गया है फीस पेड बाय अ फर्म टू अ लॉयर एक्सप्लेनिंग विद रिस्पॉन्सिबल वाई द अमाउंट सो पेड शुड बी और शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन द जो है एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो फीस पेड बाय अ फर्म टू लॉयर्स आर नॉट इंक्लूडेड द इन नेशनल इनकम बिकॉज दे आर इंटरडिमेट जो है एक्सपेंसिस ऑफ द फर्म। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। एंड इसके अंदर आपको और देखने को भी मिलेगा इस क्वेश्चन में 16वें में। एंड और के अंदर पूछा गया है कि केंद्रीय बैंक क्या है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था केंद्रीय बैंक के बारे में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, और केंद्रीय बैंक के जो है कार्य क्या होते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य एक तरह से आपसे पूछे गए हैं। अगर देखें केंद्रीय बैंक, अगर देखें तो केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर स्थानों पर, यानी वह सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है किसी भी देश की होती है, जो राष्ट्र की मौद्रिक प्रणाली और नीति की देखरेख तथा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का है आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, एंड 1 जनवरी 1949 को राष्ट्र आरबीआई को जो राष्ट्रीयकरण किया गया। एंड अगर हम देखें आरबीआई के कार्य क्या क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक जो दिया हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनके कार्य, इसके अंदर तो आप इजिली लिख देंगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। करेंसी या नोट जो है निर्गमन करने वाला बैंक, यानी देश के अंदर कौन सी करेंसी चलेगी छपेगी, ठीक है, कौन सी मानी जाएगी, ये सारी चीजें जो है करेंसी या नोट का जो निर्गमन है करने वाला बैंक वो है आरबीआई, आप इसे कह सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, मैं आप पढ़ सकते हैं पूरा दिया हुआ है, इतने सारे इसका पूरा एक्सप्लेन किया गया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। दूसरा है सरकार का बैंक या जो है बैंकर, आप इसे कह सकते हैं। आरबीआई जो है सरकार का भी बैंक होता है, एक तरह से सरकार को पैसा चाहिए होता है तो इधर ही से लेती है, ठीक है, आरबीआई से लेती है सरकार भी। एंड बैंकों का बैंक होता है, यानी कोई भी भारत के अंदर एक आपका जो है सेंट्रल बैंक हो गया यानी आरबीआई, आरबीआई से नीचे है और सभी बैंक। अगर देखिए आपका एचडीएफसी हो गया, आपका एचडीएफसी, आपका बीओबी हो गया यानी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और भी आपके कई सारे बैंक है, ये सभी क्या है, इससे ये सभी बैंकों का ही बैंक है, ये आप उसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं। एंड हमने पढ़ा भी था आपातकालीन स्थिति रहती है, कोई भी वित्तीय जो है इनके पास संकट आ गया छोटे बैंकों के पास, तो वो आरबीआई के पास ही जो है भागी भागी जाती है एंड उन्हीं की जो है सहायता लेती है। तो ये बैंकों का बैंक होता है, यही तय करती है बहुत सारे रूल्स हो गए आपके, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए एंड ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। एंड इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया था इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज बैंक सेंट्रल बैंक, ठीक है, एंड यहाँ पे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक होता क्या, आप इसे पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से, इसको कब फॉर्म किया गया, ठीक है, एंड कब ये जो है सेंट्रल बैंक बना, ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसके कार्य के बारे में देखें हम, तो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे इसके कार्य नीचे की तरफ लिखे हुए, जैसे करेंसी और नोट
इशूइंग बैंक यानी करेंसी और नोट जो इशू कराती है वो बैंक होगी ये। इसका कार्य ये है, जो आपने देखे नोट आपकी बंदी हुई, फिर नए नोट जो निकाले गए वो इसी के द्वारा निकाले गए। चलिए दूसरे, अगर आएंगे हम दूसरे पॉइंट की तरफ, तो बैंक और बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहीं से लेती है। एंड बैंक ऑफ बैंक अगर देखे तो सभी बैंकों का ये बैंक है, ठीक है। तो ये आप इसे कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर है 17। इसके अंदर बोला गया है निम्नलिखित मदों को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करें और अपने उत्तर का कारण दें। आर्थिक सहायता, सरकार द्वारा अनुदान या स्कूल भवन का निर्माण। अगर हम देखें मदों को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करना है, तो अगर हम देखें ये इसको देखें हम, तो ये क्या है, एक राजस्व व्यय है, क्योंकि यह सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता, फिर भी सरकार क्या है इसमें आर्थिक सहायता देती है। इसके अंदर सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है। अगर हम देखें तो सरकार की कोई कमाई नहीं हो रही होती इसमें, लेकिन फिर भी सरकार देती है। तो अगर हम देखें इसमें बोला गया यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि यह सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता और ना ही इससे सरकार के दायित्व में कोई कमी आती है। तो ये आप इसका कुछ इस तरह से ए का देख रहे होंगे, ऐसे बी क्वेश्चन बोला गया है आपसे, एंड सी बोला गया। जैसे बी के अंदर सरकार द्वारा अनुदान, अनुदान ये एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे सरकार के दायित्व में कोई कमी या परिसंपत्ति की जो है वृद्धि नहीं होती है। तो यही आपका जो है कुछ इस तरह से ये भी था आपका। एंड जो स्कूल भवन का निर्माण करवाती है सरकार, जो भी बड़े बड़े जो है स्कूल हो गए आपका, सरकारी कॉलेजेस हो गए, इनको बनाती है, हॉस्पिटल हो गए, इस पे देखिए सरकार अपना पैसा लगाती है। एंड इसमें भी देती है पैसा, लेकिन इनमें कोई अधिकार नहीं रह जाता, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि परिसंपत्ति होती है एंड इसमें इनकी वृद्धि होती है, नहीं। लेकिन स्कूल भवन पर खर्च जो है ये पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यह सरकार की परिसंपत्ति बनाता है, फिर ये सरकार की संपत्ति होती है, आप सभी जानते होंगे। एंड ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द गिवन रीजंस फॉर योर आंसर। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट बाय गवर्नमेंट एंड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ये आपके दिए हुए हैं तीन, एंड तीनों को आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। चलिए मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ जो एक्सप्लेन किए हुए, वो इस तरह से हो जाएगा। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब वही आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड ग्रांट बाय जो है गवर्नमेंट, एंड तीसरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो ये आपका कुछ इस तरह से एंड हो जाएगा, एंड ये आपका जो है सेक्शन ए जो आपका पूरा का पूरा है वो कम्प्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक करने के बाद जरूर शेयर किया करें। एंड चैनल पे आप नए हैं, नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है, एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। बाकी कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और हाँ, अगर आप 20 सैंपल पेपर परचेज करना चाहते हैं तो उसका, उसके लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए थे, मैं आपको स्क्रीन पर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका दिया हुआ, अगर आपको 20 सैंपल पेपर क्वालिटी साइंस हो जाए, चाहे हिस्ट्री हो जाए, पेपर इसके नज़दीकी है, अगर आप 20 सैंपल पेपर इसके सोल्व कर लेते बहुत अच्छे नंबर्स आपके आ जाएंगे। एंड इसका हम जो है एक पीडीएफ आपको जो है पड़ेगा जस्ट 99 में, यानी एक सब्जेक्ट का आपको 99 में 20 सैंपल पेपर मिल जाएगा, जो कि बहुत सस्ता है। इससे सस्ता आपको 199 में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे जो है 20 सैंपल पेपर, ये 10 सैंपल पेपर मिलेगा 199 में अगर आप ढूंढने जाएंगे। तब भी हम आपको 20 वो है जस्ट आपको 99 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर कोई बच्चा खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों के ही है। अगर आप दोनों सब्जेक्ट का एक साथ लेंगे तो 190 आपको जो है ये ऑफर में है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दिया हुआ जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, एंड यहाँ पे आपका जो है मेल आईडी भी दिया हुआ है, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम नंबर भी है, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाकर बता सकते हैं। चलिए ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।